जब पीरियड 3 दिन से कम और 7 दिन से ज्यादा हो तो वो असामान्य पीरियड आता है, तो इस केस में आपको डॉक्टर से अपनी गाइनिक से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग, आई होप सो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज मैं बात करने वाली हूँ असामान्य पीरियड के बारे में। असामान्य पीरियड किसे कहते हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि इसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता। आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोगों ने बहुत ही रेयर सुना होगा कि असामान्य पीरियड किसको कहते हैं। असामान्य पीरियड में जब हमारे पीरियड्स बहुत ज्यादा डिले होते हैं और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, तो आज फटाफट से जांच चलते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर असामान्य पीरियड होता क्या है। अगर आपके पेट में बहुत जरूर से ज्यादा दर्द है जो आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, क्योंकि एक होता है हमारा जो नॉर्मल पेन होता है जो पीरियड्स के दौरान हम गर्ल्स को महिलाओं को हमेशा ही होता है, हर महीने ही होता है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा पेन है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपसे सहन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो असामान्य है और ये आपका असामान्य पीरियड का दर्द बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, तो आपको अपनी गाइनिक से कंसल्ट करना। जब पीरियड 3 दिन से कम और 7 दिन से ज्यादा हो तो वो असामान्य पीरियड आता है, तो इस केस में आपको डॉक्टर से अपनी गाइनिक से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर 3 दिन से कम हो रहा है तो वो भी समस्या की बात है और अगर 7 दिन से ज्यादा हो रहा है तो वो भी समस्या की बात है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल जो टाइम पीरियड होता है वो 3 से 7 दिन के अंदर होता है। एक पीरियड से दूसरे पीरियड का गैप 20 दिनों से कम और 45 दिनों से ज्यादा हो तो वो भी असामान्य पीरियड होता है, जिस केस में आपको अपने गाइनिक से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल डेज नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे होते हैं या फिर कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एक पैड 2 घंटे में ही भर जाए और ओवरफ्लो ब्लीडिंग होने लगे तो उस केस में आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, क्योंकि ये असामान्य पीरियड है और इस केस में आपको अपने गायनिक से जरूर कंसल्ट करना है। कई महिलाओं को पेट में दर्द के साथ साथ कुछ महिलाओं को, कुछ लेडीज को उल्टियां भी होती हैं। अगर आपको दिन भर में ज़्यादा उल्टियां होती है पीरियड्स के दौरान, कहीं ना कहीं असामान्य पीरियड में ही आता है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत हो रहा है तो समझ में आता है, लेकिन अगर आपको वही जरूर से ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपका हार्मोन इम्बैलेंस है और आपको कुछ हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पीरियड के दौरान अगर महिलाओं को, किसी भी महिलाओं को अगर खून के थक्के जैसे अगर आपको दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपको ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से हो रही है या फिर कंटिन्यूसली हो रही है या फिर आपको एक आध बारी हुई है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा खून के थक्के आते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ही घबराने वाली बात है। हो सकता है आपको रसौली हो या फिर आपको हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आपको ये कभी भी ये सारी चीज़ों पे कभी भी आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए और आपको ना जल्दी से ही अपनी गायनिक से कंसल्ट करना चाहिए और टाइमली आप इसका ट्रीटमेंट लें। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है ये सारी समस्याएं हमारे असामान्य पीरियड में होती है। जब हमारा पीरियड सही प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस करनी पड़ रही है, इसका मतलब पीरियड सर्कुलेशन, आपका पीरियड का टाइम, सारी चीज़ें आपकी गड़बड़ाई हुई हैं, कुछ भी चीज़ें ही टाइम पे प्रॉपरली नहीं हो रही है जो चीज़ें होनी चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा दर्द और ये सारी चीज़ें, थके आना, बहुत सारी जो भी मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं तो ये आपके असामान्य पीरियड्स में आते हैं और इसमें आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, आपको अपनी गायनिक से कंसल्ट करना है। जो भी महिलाएं या लड़कियां अगर जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं और वो किसी से बोल नहीं पा रही हैं तो उनको सबसे पहले अपने गार्जियन या अपनी मदर, जिनके साथ भी वो फ्रैंक है अपने फैमिली मेंबर में, उसके साथ ये बात जरूर शेयर करें और फिर जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो और आप अपनी गायनिक से जरूर मिलें, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि पीरियड से ही हमारी पूरी लाइफ इसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि आपको पता है जो महिलाएं जो ऑलरेडी जिनके बेबीज हैं वो ठीक है, लेकिन जो गर्ल्स हैं अगर उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है तो उनको आगे जाके अपनी शादीशुदा जिंदगी में उनको ये इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। तो कृपया कर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी गायनिक से ज़रूर कंसल्ट करें और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल।